हे आपने बिल्कुल राइट थंबनेल पे क्लिक किए हैं। अच्छा मोस्ट पावरफुल टॉपिक है ड्यूरिंग कास्टिंग, मतलब कास्टिंग चलते वक्त एंड एंड ऑफ द कास्टिंग कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हे फिर से स्वागत है आपको, मैं हूं गौतम अजय सिविल इंजीनियर और आप देख रहे हैं ड्रीम प्लानिंग डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन का यानी कि DPDC का वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा प्रीवियस सेशन का पावरफुल टॉपिक था 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक बिफोर कास्टिंग ऑफ फाउंडेशन। अगर आपको पता नहीं है बिफोर कास्टिंग कौन कौन सा चेक करना चाहिए फाउंडेशन में, तो ये सेशन आप देख लीजिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा बिफोर कास्टिंग कौन कौन सा चेक करना चाहिए। सो बिफोर कास्टिंग ये सब चेकिंग करने के बाद आप कास्टिंग स्टार्ट करेंगे, बट ड्यूरिंग कास्टिंग कौन कौन सा चेक करना चाहिए आपको यह डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगा मैं, एंड एंड ऑफ द कास्टिंग कौन कौन सा चेक करना चाहिए आपको, कौन कौन सा मैटर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए यह डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगा मैं। सो ड्यूरिंग कास्टिंग सबसे पहले आपको देखना है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। कंक्रीट का क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सो ड्यूरिंग कास्टिंग आपको कंक्रीट का वर्केबिलिटी चेक करना है, क्योंकि कंक्रीट का वर्केबिलिटी अगर ज्यादा हो गया तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और अगर वर्केबिलिटी बहुत ही कम हो गया तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगा लेकिन उसको प्लेसिंग करना बहुत ही टफ हो जाएगा। इसलिए कंक्रीट का वर्केबिलिटी टेस्ट करना है आपको, और साइड में ये वर्केबिलिटी टेस्ट स्लैम कोन से करना है आप। एज ए एग्जाम्पल आप देख लीजिए कैसे स्लैम टेस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्लैम कंक्रीट का वर्केबिलिटी बहुत ही कम है, और कंक्रीट का वर्केबिलिटी कम है इसलिए यहाँ पे स्लैम वैल्यू जीरो है, और जीरो स्लैम का कंक्रीट से फाउंडेशन कास्टिंग नहीं होगा इसलिए ये कंक्रीट रिजेक्टेड है। सो कंक्रीट का वर्केबिलिटी ठीक ठाक रखने के लिए स्लैम वैल्यू कितना होना चाहिए यह आपका कंक्रीट का मिक्स डिजाइन का रिपोर्ट में मेंशन होगा। एंड नेक्स्ट आपको देखना है क्यूब कास्टिंग। कंस्ट्रक्शन साइड में यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितना एमक्यू कंक्रीट कास्टिंग हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ क्यूब कास्टिंग करना है आपको। अगर क्यूब कास्टिंग के ऊपर और भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करूंगा। सो ये हो गया क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट आपको देखना है फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। ये फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1.5 मीटर होना चाहिए। आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्यों ये फ्री फॉल 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड का एक गाइडलाइन है, वहां पे बताया है कंक्रीट का फ्री फॉल हमेशा लेस देन इक्वल टू 1.5 मीटर होना चाहिए, और मेरा मानना है कि अगर ये फ्री फॉल 1.5 मीटर से ज्यादा हो गया तो कंक्रीट में सेग्रीगेशन आ जाएगा, मतलब कंक्रीट में से कोर सेग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट विद स्लरी अलग अलग हो जाएगा। और अगर कंक्रीट में सेग्रीगेशन आ गया तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना कम हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट है वाइब्रेशन टाइम। फ्रेश कंक्रीट कंटेन 5-20% इंटरप्ट एयर वॉइड, और ये इंटरप्ट एयर वॉइड होने की वजह से कंक्रीट का डेंसिटी कम हो जाता है, और अगर कंक्रीट में डेंसिटी कम होगा तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, एंड ये डेंसिटी कम होने की वजह से कंक्रीट का परमियाबिलिटी भी हाई हो जाएगा, अल्टीमेटली कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। सो ये इंटरप्ट एयर वॉइड्स को हटाना है। वाइब्रेशन करने का मतलब नॉट ओनली लेवल द कंक्रीट, सिंपली लेवलिंग ऑफ कंक्रीट विल नॉट रिमूव इंटरप्ट एयर वॉइड्स बग होल्स एंड हनीकॉम्बिंग। सो वाइब्रेटर प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं ये आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि वाइब्रेटर का इंसर्शन टाइम अगर ज्यादा हो गया तो कंक्रीट में क्या होगा, कंक्रीट में सेग्रीगेशन आ जाएगा, और इंसर्शन टाइम अगर कम होगा तो कंक्रीट से इंटरप्ट एयर वॉइड्स नहीं निकलेगा, तो बग होल्स हो सकता है आपका कंक्रीट में और हनीकम्बिंग भी हो सकता है। सो वाइब्रेटर को प्रॉपरली कंक्रीट के अंदर इंसर्ट भी करना है और वाइब्रेटर का इंसर्शन टाइम भी मेंटेन करना है। सो ये इंसर्शन टाइम जनरली 5-15 सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज बॉन्डिंग एजेंट। जब ओल्ड कंक्रीट के साथ फ्रेश कंक्रीट का जॉइंट होगा तो उस जॉइंट में ओल्ड कंक्रीट के ऊपर ये बॉन्डिंग एजेंट यूज करना है, क्योंकि अगर ओल्ड कंक्रीट का सरफेस में ये बॉन्डिंग एजेंट प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो ओल्ड कंक्रीट के साथ फ्रेश कंक्रीट का जॉइंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड शेयर की। ड्यूरिंग कास्टिंग शेयर की प्रोवाइड करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ड्यूरिंग कास्टिंग आपको हमेशा ध्यान रखना है कॉलम में प्रॉपरली शेयर की प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है यूज कंक्रीट स्टॉपर। अगर आपका फाउंडेशन का एरिया बहुत ही बड़ा है तो जहां तक आप कास्टिंग करेंगे वहां पे आपको कंक्रीट का स्टॉपर प्रॉपरली प्रोवाइड करना है। सो ये हो गया चेकिंग ड्यूरिंग कास्टिंग। अब एंड ऑफ द कास्टिंग आपको ध्यान रखना है कि
कंक्रीटिंग का एंड में जिस पाइप से कास्टिंग चल रहा था उस पाइप को क्लीन करना पड़ता है, और पाइप क्लीन करने के लिए पाइप के अंदर से एक बॉल पास करना पड़ता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है ये बॉल पासिंग फाउंडेशन एरिया के बाहर करना है, अदरवाइज कंक्रीट का बॉल पासिंग के समय वाटर फ्लो से कंक्रीट का क्वालिटी इतना खराब हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कास्टिंग खत्म करने के बाद जब कंक्रीट थोड़ा सेट हो जाएगा तब शेयर कीज को रिमूव कर लेना है, अदरवाइज ये कंक्रीट टोटली सेट हो जाने के बाद ये शेयर कीज रिमूव नहीं कर पाएंगे। आज का सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट सेशन का पावरफुल टॉपिक है डिसऑर्डरिंग पीरियड ऑफ फॉर्मवर्क ऑफ स्लैब बीम कॉलम वॉल एंड आर्च। ऐसे पावरफुल टॉपिक कौन मिस करना चाहता है, कोई भी नहीं, आपको भी बोल रहा हूँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, नहीं तो ऐसे पावरफुल टॉपिक आपसे छूट जाएगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पूरा विश्व का हर एक सिविल इंजीनियर के पास ये वीडियो ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए और मेरा चैनल में आके वीडियोस को बार बार देखने के लिए और वीडियोस देख के हर बार की तरह लाइक बटन में प्रेस करने के लिए सच्चे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।